नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो हद यहां तक हो गई है कि भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों को भी कब्जाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो नजारा बेहद ही चौंकाने वाला मिला। यहां पिछले 25 सालों में भूमाफियाओं ने प्राइमरी पाठशाला की जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ हल्द्वानी गांव में, जहाँ पर इस सरकारी स्कूल की ज़मीन पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यह लिखा है प्राथमिक विद्यालय हल्द्वानी, विकास क्षेत्र बिसरक, जनपद जिला गौतम बुद्ध नगर। ये वो स्कूल है। इस स्कूल की ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है। यहाँ की जो LMC की ज़मीन है उस पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा किया गया है। यहाँ पे झोपड़पट्टी डालकर दुकान के तौर पर जो भूमाफिया है उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा ये चक्रोड है, उस चक्रोड को भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। इस पूरे स्कूल को भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में ले रखा है, लेकिन प्रशासन इसके सामने बौना साबित हो रहा है। यह प्राइमरी स्कूल इकोटेक 1 कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला हल्द्वानी गांव में बना है। हालांकि अधिकारियों को इस बात की जानकारी जरूर है, लेकिन भूमाफियाओं पर शिकंजा कैसे कसा जाए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें सर फिरता हूँ माननीय जिलाधिकारी दादी, यहाँ पर इसकी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट पर एक प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र से अवगत कराया कि ये कुछ भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं जो पिछले 20-25 वर्षों से इस ज़मीन पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई बार प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन वो प्रार्थना पत्र एक औपचारिकता मात्र होते हैं और उनमें केवल वाद का विचाराधीन होना बताया जाता है। जबकि भौतिक सत्यापन में उनको पाया गया कि वाद का विचाराधीन कहीं कुछ नहीं है। इनके लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक सब जगह इनके प्रार्थना पत्र को और दावे को खारिज कर दिया है। क्योंकि आपके माध्यम से संज्ञान में लाया गया कि ग्राम हल्द्वानी में स्कूल की जमीन को लेकर के कुछ अतिक्रमण का मसला है, तो उसमें सर्वप्रथम एक टीम बना करके पैमाइश करवाई गई थी। तो टीम के द्वारा एक प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है, इसमें उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ क्षेत्रफल पर अतिक्रमण पाया गया है। तो अभी मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है टीम को कि आप उसमें एक नोटिस दे करके, क्योंकि कुछ पक्के अतिक्रमण भी हैं जिनमें दुकानें बनी हुई हैं और एक भीड़भाड़ वाला इलाका है, तो उसमें एक नोटिस दे करके 7 दिन का समय दें कि अपना अतिक्रमण खुद हटाएं, अन्यथा हम नियमानुसार हटवाते हुए उनसे हर्जाना भी वसूल। हालांकि सीएम ने प्रशासनिक अफसरों को भूमाफियाओं को चिन्हित कर एक्शन लेने के निर्देश दे रखे हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन प्लान भी तैयार है, लेकिन ना जाने क्यों प्रशासन टाल मटोल करता है। जो सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है उनके लिए प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करने का 7 दिन का समय दिया गया है। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस फोर्स द्वारा SDM साहब के नेतृत्व में वहां जाकर जमीन को खाली कराया जाएगा। अंशुमन यादव, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।